गाइस, आई एम करमवीर एंड वेलकम टू आवर चैनल रूफटॉप गार्डनर करमवीर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको गमलों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी बनाना बताएंगे। इट्स वेरी इजी टू प्रिपेयर बेस्ट पॉटिंग सोइल फॉर योर प्लांट्स। लेट्स स्टार्ट। के लिए आपको चार चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर एक पर है मिट्टी, सोइल। मिट्टी आप कहीं से भी ले सकते हैं, गार्डन सोइल या खेत की मिट्टी। गार्डन या खेत से मिट्टी लेते वक्त ध्यान दें कि आपको मिट्टी हमेशा ऊपर की ही लेनी है। हमेशा 6-7 इंच तक की ही मिट्टी लें, क्योंकि उसमें माइक्रो न्यूट्रिशन ज़्यादा होते हैं और वो आपके पौधों के लिए काफ़ी अच्छी मिट्टी मानी जाती है। तो आप मिट्टी हमेशा ऊपर की ही लें। मिट्टी हमने ले ली है दोस्तों। दूसरी चीज़ हमें चाहिए कंपोस्ट, खाद। कंपोस्ट खाद के रूप में आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ध्यान रखें, गोबर खाद अच्छे से डीकम्पोस्ट हुई होनी चाहिए, लगभग 10-12 महीने पुरानी। ताज़ा गोबर का प्रयोग बिल्कुल ना करें। आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हो, यह आपको किसी भी गार्डनिंग शॉप पर या नर्सरी पे आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, दोनों ही खाद बेस्ट है। दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद दोनों ही बेस्ट ऑर्गेनिक खाद है, जो आपके पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए है वो है कोकोपीट। दोस्तों, कोकोपीट का इस तरह का ब्लॉक आता है, जो आपको किसी भी गार्डनिंग शॉप या नर्सरी में आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, ये नारियल के छिलकों का बुरादा होता है, जिसे कॉम्पैक्ट करके इस तरह की ब्रिक्स बनाई जाती है। इसे आप कुछ देर के लिए पानी में भिगो दें तो लगभग ये 3-4 गुना फूल कर भुरभुरी हो जाएगी, तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इससे आपकी सोइल का ड्रेनेज काफ़ी अच्छा होगा और आपकी सोइल में मॉइस्चर भी मेंटेन रहेगा। दोस्तों, आपको गार्डन सोइल, कंपोस्ट और कोकोपीट तीनों बराबर मात्रा में लेने हैं। दोस्तों, हमने कोकोपीट को पानी में भिगो दिया है, अब इसे कुछ देर के लिए रख देंगे। हमने कोकोपीट को पानी में डाल दिया है, अब इसे कुछ देर के लिए पानी में भीगने के लिए रख देंगे। चौथी चीज़ जो हमें चाहिए वो है नीम खली पाउडर। दोस्तों, ये नीम के पेड़ की निम्बोली और टहनियों से तैयार किया जाता है, जो आपको बड़े ही आसानी से किसी भी गार्डनिंग शॉप पर मिल जाएगा। तो अब मिट्टी तैयार करते हैं। हमने एक पार्ट नॉर्मल गार्डन सोइल ली है, अब इसमें एक पार्ट कंपोस्ट और एक पार्ट कोकोपीट लेंगे। दोस्तों, कंपोस्ट के रूप में मैं गोबर की खाद का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि फुली डीकम्पोस्ट है, लगभग 1 साल पुरानी है। आप ताज़ा गोबर का प्रयोग बिल्कुल ना करें। फुली डीकम्पोस्ट गोबर खाद का रंग गहरे भूरे कलर का होता है, जैसा आप देख सकते हैं। आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दोनों ही खाद पौधों के लिए बेस्ट होती है। तीसरी चीज़ हम लेंगे कोकोपीट। दोस्तों, हमारी कोकोपीट तैयार है, अब हम इसे पानी से निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी कोकोपीट भुरभुरी हो चुकी है, अब हम इसे पानी से निकालेंगे। दोस्तों, ये नारियल के छिलकों का बुरादा होता है, जिससे आपकी सोइल का ड्रेनेज काफ़ी अच्छा होता है, सोइल में मॉइस्चर भी मेंटेन रहता है। इससे आपके गमले में पानी जमा भी नहीं होगा और मिट्टी में नमी बनी रहेगी। हाँ दोस्तों, इस पानी का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। दोस्तों, आपको एक पार्ट नॉर्मल गार्डन सोइल, एक पार्ट कोकोपीट और एक पार्ट कंपोस्ट लेना है, जैसा आप देख रहे हैं। तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में लें और अब इसे अच्छे से मिक्स करें। दोस्तों, बहुत अच्छे से इस मिक्सचर को मिक्स करें, जैसा आप देख रहे हैं। दोस्तों, वाटर प्लांट्स को छोड़कर आप सभी प्रकार के पौधों को गमलों में इस मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, हमारी फुली ऑर्गेनिक रिच वेल ड्रेन सोइल लगभग 90% तैयार हो चुकी है। लगभग सभी प्लांट्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपके प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। दोस्तों, मिट्टी को अच्छे से मिक्स करें और कंकर पत्थर को मिट्टी से बाहर निकाल दें। दोस्तों, अब इसमें थोड़ी सी नीम की खली का पाउडर डालें। इसमें लगभग 1 चम्मच नीम की खली का पाउडर काफ़ी रहेगा। दोस्तों, नीम की खली के पाउडर से आपकी मिट्टी सोइल में कीड़े और फंगस नहीं लगेंगे। लगभग 1 चम्मच नीम की खली का पाउडर हमने इसमें डाला है, अब मिट्टी को अच्छे से मिक्स करें। मिट्टी को अच्छे से मिक्स करें। दोस्तों,
हमारी सबसे अच्छी गमलों के लिए मिट्टी तैयार हो चुकी है। आप इसे लगभग सभी प्रकार के पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो आपको एक प्लांट लगाकर दिखाते हैं। दोस्तों ये मेरा एक 12 इंच का प्लास्टिक पॉट है। दोस्तों आपको इसके बेस में छेद करने हैं। दोस्तों ये सुराग छेद बहुत ज़रूरी होते हैं, इनसे एक्स्ट्रा वाटर गमले से बाहर निकल जाएगा, जिससे आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। अब इन छेदों को टूटे हुए पत्थरों से कवर करें ताकि पानी के साथ मिट्टी बाहर ना निकले, जैसा आप देख रहे हैं। दोस्तों अब इसके ऊपर बजरी की एक लेयर बनाएं। इससे फ़ायदा ये है कि पानी आपके गमले से आसानी से निकल जाएगा और मिट्टी नहीं निकलेगी। अगर आपके पास बजरी ना हो तो सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मिट्टी का मिक्सचर सोइल मिक्स भरें, जैसा आप देख रहे हैं। अब इसमें अपना प्लांट लगाएं। दोस्तों ये मेरा गेंदे का पौधा है जो एक पेंट के छोटे डब्बे में लगा हुआ है। अब हम इसे रिपोर्ट करके दिखाएंगे। दोस्तों पॉट को साइड से दबाएं और इसे ध्यान से गमले से बाहर निकालें। दोस्तों अगर आपके पॉट की मिट्टी सूखी होगी तो ये आसानी से गमले से बाहर निकल जाएगा, जैसा आप देख रहे हैं। अब इसकी मिट्टी को बिल्कुल हल्का सा हटाएं। आपको बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी हटानी है। अब इसे गमले के सेंटर में बिठाएं और गमले में मिट्टी भरें। अब मिट्टी को हल्का सा दबाएं और हाँ दोस्तों गमले में लगभग 1 से 1.5 इंच तक जगह खाली रखें, ताकि जब इसमें पानी डालेंगे तो पानी और मिट्टी बाहर ना निकलें। अब इसमें पानी डालें। पानी आप कोशिश करें किसी फव्वारे या हल्के से दें। फर्स्ट टाइम अच्छे से पानी डालें, बाद में जब मिट्टी सूखे तब तब पानी डालते रहें। हमारा प्लांट रिपोर्ट हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। गार्डनिंग से जुड़ी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।